दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद सीकर शहर से अब एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। यहां नारुवान मोहल्ले में रहने वाले गुलाम रसूल को उसके ही बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। इसके बाद जब नशेड़ी बेटा अपने घर पर पहुंचा तो मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाकया दरअसल 11 दिसंबर की शाम का है, जब आदितन नशेड़ी इमरान ने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे और पिता ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। पैसे नहीं मिले तो वह अपने पिता को तंग करने लग गया। इसके बाद भी जब पिता ने नशे के लिए उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो नशेड़ी बेटा गुस्से से इस कदर तिलमिला उठा कि वो बाप बेटे के रिश्ते को ही भूल गया और नमाज पढ़ते हुए अपने पिता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे गुलाम रसूल बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना के बाद इमरान मौके से फरार हो गया, जबकि घर पर मौजूद इमरान की बहन ने अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस थाने में अपने नशेड़ी भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अस्पताल में गुलाम रसूल की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं रात में जब नशेड़ी इमरान को ठंड लगने लगी तो वह देर रात को गर्म कपड़े लेने के लिए अपने घर पर पहुंचा, जहां उसे मोहल्ले वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। गुलाम नाम के व्यक्ति को उसी के लड़के इमरान ने कुल्हाड़ी मार करके घायल कर दिया था, जिसको यहां से रेफर करके SMS रेफर किया गया है, जहां वो जेल इलाज है। उसी घटना के क्रम में कल गुलाम रसूल के लड़के इमरान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली सिकंदराबाद।